दोस्तों आज बीएससी में मैथ की क्लास सेकंड लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहे थे इंटीग्रल कैलकुलस। और इसमें हमारा चैप्टर चला था डेफिनेट इंटीग्रल्स, जिसकी एक्सरसाइज 1A है, उसी का सेकंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे सुनने लगा है। तो कहता है इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to a dx अपॉन एक्स प्लस √a² - x² हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन है 0 to a dx अपॉन एक्स प्लस √a² - x² लेट हमने माना कि x = a sin थीटा। अगर ऐसे हम इसका डिफरेंशिएट करें तो dx = हो जाएगा a cos θ d θ। ठीक, यहाँ पर लिखें when x = a, देन यहाँ पर हम a पुट करेंगे ये a sin थीटा, और a से ये कैंसिल आउट होगा तो 1 = sin θ, और ये वैल्यू रहेगी sin π/2 की। यानी इस टाइप से अगर थीटा की वैल्यू देखें तो हमें मिलेगी π/2। ठीक, कहने का मतलब जब x थीटा था, यानी हम कह सकते हैं कि x tend to a, सो θ tend to π/2। ठीक, अगेन जब एक्स की वैल्यू हम लें 0, सो थीटा निकल के आएगा, यहाँ से हम सिंप्लीफाई करें θ tend to 0। तो अगर हम इस सवाल को लिखें 0 to a dx upon x plus √a² - x² 0 to यहाँ पर आएगा π/2, dx की जगह पर आएगा a sin θ, और ये रहेगा a sin θ प्लस a² - a² sin² θ, a sin θ, इसमें a कॉमन आ जाएगा, तो रूट के बाद जब कॉमन लेंगे तो मतलब रूट के बाहर ओनली a बनेगा, और √1 - sin² θ। इंटीग्रेशन 0 to π/2 a sin θ, और इसका रहेगा √1 - यानी cos² θ। अब यहां से हम इसमें a कॉमन ले लें तो a sin θ, a हमने समझो यहां से कॉमन ली, तो sin θ प्लस cos θ, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 0 to π/2 sin θ प्लस cos θ d θ। अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे प्रॉपर्टी फोर वाई प्रॉपर्टी नंबर फोर इसे आप नोट कर लीजिएगा। और हम इसे मान रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक, हमने इसे तो देखिए प्रॉपर्टी अगर इसमें फोर लगाए तो क्या बनेगा। θ π/2 - θ और π/2 - θ प्लस cos π/2 - θ। sin 90 - θ यानी cos θ ही रहेगा, ये भी cos θ हो जाएगा प्लस sin θ d θ। अब इसमें ऐड करें फर्स्ट, तो ये सेम है बिल्कुल, इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डायरेक्टली अगर हम इसे लिखें चाहो तो हम अलग अलग करके लिख सकते हैं 0 to π/2 sin θ what is sin θ प्लस cos θ d θ
जीरो टू पाई बाई टू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू डी थीटा, यहाँ पर बंद हो जाएगा। ठीक, और आप इसे नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा है। तो अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें तो ये दोस्तों बनेगा, इसका इंटीग्रेशन बनेगा थीटा, तो पहले आएगा यहाँ पर पाई बाई टू माइनस जीरो, तो उसे फिर इन्हें अपान में जाएंगे यानी डिवाइड हो जाए होगा तब ये होगा पाई बाई फोर, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फोर कहता है प्रूव दैट, यानी हमें सिद्ध करना है इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स और ये डी एक्स स्क्वायर टू पाई बाई फोर। तो देखना जरा दोस्तों यहाँ से बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमने इसे फर्स्ट मान लिया जीरो टू पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। वाई प्रॉपर्टी नंबर फोर, तो प्रॉपर्टी फोर लगाएंगे तो ये क्या बनेगा जीरो टू पाई बाई टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स डीएक्स। तो आपने पढ़ा होगा साइन नाइंटी माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये भी कॉस थीटा हो जाएगा और ये साइन थीटा हो जाएगा। तो अब इसे और इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम इन्हें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। ये टर्म बिल्कुल सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी तो ये मिलेगा टू आई जीरो टू पाई बाई टू और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा लिमिट जीरो से पाई बाई टू, तो समझो हमने अलग से लिया है यहाँ पर, ये अपान में आएगा फिर पाई बाई फोर आएगा। ठीक, राइट हैंड साइड। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फाइव बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कहता है सो दैट, दिखाइए कि इंटीग्रेशन जीरो टू वन लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर टू पाई बाई एट लॉग टू, समझना जरा ध्यान से, ये समझो एल एच एस है, हमने इसे मान लिया फर्स्ट स्क्वायर टू जीरो टू वन लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें हम पुट करेंगे x इक्वल टू टेन थीटा, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें तो dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा,
अब देखिए एक चीज ध्यान से, अगर हम यहाँ लिखें लिमिट अगर चेंज करें तो वह x इक्वल टू वन, जब x इक्वल टू वन होगा तो हमें t क्या मिलेगा समझ में, देन यहाँ पर वन आ जाएगा और ये हो जाएगा टेन थीटा, ये वन वैल्यू होती है टेन पाई बाई फोर की, सो थीटा इक्वल टू निकल के आएगा पाई बाई फोर। ठीक, कहने का मतलब है कि जब x वन तो थीटा पाई बाई फोर, अगर वहन x इक्वल टू जीरो तो हम डायरेक्टर अगर लिख दें सो थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक, तो देखिए कहानी क्या बनेगी, लिमिट रह गई हो जाएगी जीरो टू पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन थीटा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, जीरो टू पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन थीटा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये इससे कैंसिल आउट, और हम प्रॉपर्टी लगा दें इसमें वाई प्रॉपर्टी, तो बनेगा क्या जीरो टू पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा डी थीटा। देखिए अगर हम इसे दोस्तों ए कहते हैं उसे बी कहते हैं, ये बन गया फॉर्मूला टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस बी का, और टेन ए माइनस बी बराबर क्या होता है आपने पढ़ा होगा स्कूल में, टेन ए माइनस बी बराबर होता है टेन ए माइनस टेन बी यानी टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन थीटा डी थीटा। तो इसका आप इसे नोट कर लीजिएगा, इसको हम बता देते हैं, यहां तक मिटा रहे थे। तो देखना जरा ध्यान से, जीरो टू पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन पैंतालीस की वैल्यू वन यानी वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा, इसकी उड़ा गिर होगी हो जाएगा वन प्लस टेन थीटा प्लस वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा जीरो टू पाई बाई फोर लॉग एक और एक दो अपॉन वन प्लस टेन थीटा डी थीटा। अब लॉग एम बटे एन ये फॉर्मूला बन गया है क्लास नाइन्थ के हिसाब से, लॉग एम बटे एन वाला ये बने, इसको हम लिख सकेंगे लॉग टू माइनस लॉग वन प्लस टेन थीटा डी थीटा। तो अब इसका अगर हम अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं तो ये बनेगा इंटीग्रेशन जीरो टू फाइव बाई फोर लॉग टू डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू फाइव बाई फोर लॉग वन प्लस टेन थीटा डी थीटा। देखिए इसमें लॉग टू कॉन्स्टेंट है ये आगे आएगा, तो इंटीग्रेशन जीरो टू फाइव बाई फोर डी थीटा माइनस, क्योंकि इसको ही सामने समझो फर्स्ट माना था, अगर इसकी जगह पर हम ये चीट पुट करते हैं, हालांकि हम सामने क्वेश्चन को माना था लेकिन ये वाली कंडीशन बाद में आई थी, तो क्वेश्चन को माना है ये माना बात एक ही है, इसको इधर आएगा ये, क्योंकि हमने क्या किया था क्वेश्चन ये था दोस्तों, क्वेश्चन था इसको हमने फर्स्ट माना था जीरो टू वन लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसी को जो हमने सॉल्व किया था तो ये निकल के आएगा, आया था जीरो टू फाइव बाई फोर है ना, और निकल के आया था लॉग वन प्लस
टेन थीटा, क्योंकि अब हमने जब इसे सॉल्व किया था तो ये कंडीशन निकल के आई थी। तो कहने का मतलब चाहे तो इसके अलावा इसे समझ लो, चाहे आप इसके अलावा इसे समझ लो, बात ये की है। ठीक, तो ये चीज इधर आएगी, प्लस का आ जाएगा log raise to r raise to 0 to pi by 4 d theta, log e raise to इसका इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, और लिमिट पुट करेंगे पाई बाय फोर माइनस जीरो और इस टू को हटाएंगे अपान में जाएगा तो ये हो जाएगा चार गुनी आठ यानी पाई बाय एट लॉग ई रेस्ट टू। इसका आंसर तो बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स इंपॉर्टेंट है, देखना वैल्यू फाइंड करनी है। जीरो टू फाइव एक्स साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमने मान लिया फर्स्ट स्क्वायर टू जीरो टू फाइव एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, वाई प्रॉपर्टी और चौथी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बनेगा पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स, जीरो टू पाई साइन एक्स स्क्वायर थीटा साइन थीटा होता है यानी साइन एक्स रहेगा, और देखिए कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा होता है लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है इस वजह से फिर प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐड करेंगे हम इसे तो जीरो टू पाई ये हमारा है एक्स साइन एक्स। ठीक, इसका इसका डेनोटर सेम है ना, तो प्लस इसकी इसके मल्टीप्लाई पाई साइन पाई पाई साइन एक्स एक्स साइन एक्स वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें पाई कांस्टेंट है आ गया जाएगा और ये बचेगा साइन एक्स वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर इसमें प्रॉपर्टी सिक्स लगाए हैं तब देखिए क्या बनेगा, टू से मल्टीप्लाई टू से लिमिट में बड़ा हो जाएगा अगर हम कॉस एक्स को टी मान लें तो माइनस साइन एक्स डी एक्स स्क्वायर टू डी टी, व्हेन एक्स स्क्वायर टू पाई बाय टू सो टी स्क्वायर टू निकल जाएगा, मतलब यहाँ पर कॉस 90 रखेंगे जीरो हो जाएगा। अब एन एक्स स्क्वायर टू जीरो सो टी स्क्वायर टू वन, यानी कंडीशन क्या बनेगी, यानी जहां पर पाई बाय टू है वहां पर आ जाएगा जीरो और जीरो की जगह पर आ जाएगा वन और ये हो जाएगा माइनस डी टी, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना साइन एक्स डी एक्स, ये माइनस उधर पहुंच जाएगा माइनस डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक, इसे मिटा दे दो,
माइनस फाइव कर दो सर, इंटीग्रेशन जीरो वन से जीरो डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स टी का, टेन इनवर्स टी वन से जीरो। तो पहले यहाँ पर जीरो आएगा फिर माइनस वन, टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, टेन पाई बाई फोर तो माइनस फाइव बाई फोर, माइनस माइनस प्लस इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा आंसर पाई स्क्वायर बाई फोर, यही हमारा आंसर होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सात इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। इसमें भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इंटीग्रेशन जीरो टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, समझना। हम इसमें क्या करेंगे, प्रॉपर्टी फोर लगाएंगे, हो जाएगा पाई माइनस एक्स पाई स्क्वायर स्क्वायर पाई माइनस एक्स, y माइनस एक्स और ये हो जाएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर सेम है दोनों में, अगर हम इसे ऐड करूं तो x प्लस पाई माइनस एक्स अपान सेम है ना, आंसू मैंने न्यूमरेटर को हमने ऐड कर दिया अपान में डिनोमिनेटर, से कैंसिल हो जाएगा और ये पाई कांस्टेंट आगे आ जाएगा। प्रॉपर्टी लगाएंगे हम सिक्स, अब इसे दोस्तों क्रम ऐसे लिखते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमेरेटर में अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देते हैं तो ये बन जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स यानी डिवाइड करेंगे वन आ जाएगा। वन अपन कास होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वन डी एक्स। अगर हमें सेक स्क्वायर एक्स को तोड़े तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा यानी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन, तो हम इसे लिख सकते हैं एक और एक दो हो गए, 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, इसे मिटा दें, नोट कर लीजिएगा। देखिए अब क्या करेंगे,
लिया टेन एक्स स्क्वायर टू टी, तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी वेन एक्स स्क्वायर टू पाई बाई टू, सो टी स्क्वायर टू निकल के आएगा इनफाइनाइट। जब एक्स की वैल्यू मतलब 90 तो है, 90 ऊपर करेंगे टी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। अब एन एक्स स्क्वायर टू जीरो, सो टी निकल के आएगा जीरो, एक्स जीरो टी जीरो। इसलिए कंडीशन क्या बनेगी, जीरो टू इनफाइनाइट और ऊपर रहेगा डी टी अपॉन टू प्लस टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगाना चाहिए, ठीक। अब सही फॉर्मूला बना, तो ये फॉर्मूला बन गया है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी वन अपॉन रूट टू टेन इनवर्स टी अपॉन टू। तो पहले रखा जाएगा इनफाइनाइट, जब हम टी की जगह पर इनफाइनाइट रखें ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, और जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए यहां पर आ जाएगा ये वैल्यू है 1090 की, यानी पाई बाई टू, ये वैल्यू है 10 की, यानी अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन टू रूट टू। ये हमारा आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।